फैजान साजिद, फिजान ओ ऐसे ऐसे दूध तो दे दिया यार, पिलाते। ऐसे तो दे भाई तो कर दो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ये तो जैसे आओ ना पहले गार्डन में भाग के आता है। बाय बाय आया तैयबा। हाँ नोबिता धूप लगवाने के लिए आए, हवा लगवाने आए। अब तो खैर यहाँ की ना धूप भी तेज लगती है, ये है कि हवा चल रही है ना तो इतना फील नहीं हो रहा। अभी बच्चों को ट्यूशन से भेजने के बाद 3 बास्केट नहीं 3 नहीं टोटल 5 रह गए। फिलहाल जहाँ मैं आज जाने वाली हूँ तो वहाँ पर 3 जो है ना एक ही जगह पर चली जाएंगी। जल्दी जल्दी से इनको करते हैं पैक। कुछ चीजें जो है ना यहाँ पर मैंने निकाल के ये रख ली हैं। ये मैंने बहुत ही प्यारा सा व्हाइट कलर लिया, तो ये मैं ताहिरा सिस्टर की बास्केट में रखने लगी हूँ, इनका हो गया। और ये मैंने सोचा है मेजर अंकल के घर जाएगा अनिल आंटी के लिए, मैं उनके लिए ब्लू कलर का मैंने सोचा है। ये हो गया बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का है, तो ये फायजा सिस्टर का हो गया, ये ताहिरा सिस्टर का, और ये उनके हस्बैंड का जहीर भाई का, ये साथ में हो गया। अब ये इस बॉक्स में आ ही नहीं रहा है तो बड़ा है काफी। ये हो गए एक, ये इसमें जाएगा, या तो मैं कहती हूँ बॉक्स से निकाल के सूट रख दे, तो उससे निकाल ही रखते क्योंकि बास्केट छोटी पड़ रही है। ऐसा खड़ा कर दिया ये वाला भी, ये वाला भी। मैंने कुछ ब्रेसलेट लिए थे और ये साथ, ये भी एक एक साथ में रख रही हूँ। और बाकी साथ में ये कुछ इयर रिंग्स हैं, ये भी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी तो साथ में ये भी रख रही हूँ। इस तरह से देखो मैंने दोनों बास्केट तैयार कर लिए, ये हो गई ताहिरा सिस्टर की बास्केट और ये हो गया मेजर अंकल के घर की बास्केट। नीला आंटी भी बोल सकती है, उसे साथ में एक एक मेहंदी रखी है। और अब आ जाते हैं इस बास्केट की तरफ। ये फायजा सिस्टर की ईदी में क्या है कि साथ में बच्चों की भी पैक करनी है, तो ये छोटी छोटी जितनी सारी चीज़ें हैं ये भी सारी इसमें जाएंगी। ये बैग सारा का है। और हाँ बच्चों के कपड़े तो मैंने अभी रखे नहीं, अनीता वो कपड़े उठा कर दो। और ये देखो ये मैंने लिए थे सारा के लिए 2 ड्रेस, एक ये फ्रॉक ली थी और उसके साथ एक ये ईद का सूट लिए। बाकी ये वाला मैं सारा के लिए कराची से लाई थी, उनको दे ही नहीं सकी, ये भी साथ में रख दे। और बाकी एंड में इसके ऊपर हो गया सारा के भाई का ड्रेस, ये पैंट शर्ट मैंने उसके लिए लिया। शलवार कमीज मुझे समझ में नहीं आ रहा था साइज का, तो फिर पैंट शर्ट अच्छी लगी मुझे, ब्लैक और वाइट। अब हो गई ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम साथ में ये पैक करते हैं। गया कल तो तैयबा और आयत दोनों मिल गई हैं ना, तो उन्होंने पैक किया। और देखो फायजा सिस्टर और उनके बच्चों की ये पूरी ईदी हमने पैक कर दी है, इतना अच्छे से देखो इतनी प्यारी लग रही है, सारी चूड़ियाँ सब कुछ आ गया। एंड में रह गई है परफ्यूम और इसकी कहीं जगह ही नहीं बन रही, देख लेना नहीं था सब कुछ रख दिया ना, भूल तो नहीं गए बाहर सारी चीज़ें। अभी यहाँ से चूड़ियाँ वूड़ियाँ जो भी सारा कुछ था रह गया, अभी 2 बास्केट हमारी बच गई हैं। अच्छा एक ही देखो ये भी तो भूल रही थी, ये भी यहाँ से रख देते, बस 2 हमारी जो बास्केट बच रही है ना उनमें एक रह गई है रजिया आंटी और एक रह गई है सबा सिस्टर जो हमारे घर के पास रहती है। और देखो जल्दी जल्दी यहाँ पर हमने सारी पैकिंग कर ली है। 3 ईदियाँ जो अभी मैं साथ में लेकर जाऊंगी वो तो पैक हो गई, ऊपर फ्लावर ये सारी पैकिंग टेप पे लगा के रख। इस जगह की मेरी हालत आप देखे, ऐसा लगता है कि ईद के दिनों में ना कोई मेरे घर पे भी चूड़ियों की और मेहंदी की कोई शॉप खुली थी, कपड़ों का चूड़ियों का मेहंदी का, जैसे मेरे घर पे ना स्टॉल लगा था। यहाँ पर इतना ये वाली जगह हर टाइम ना चीजों से भरी रही है। और अभी जो है ना टाइम बहुत कम है और जल्दी जल्दी से मैं कौन सा सूट पहनने वाली हूँ, कौन सा कहाँ गया, हाँ ये वाला मैंने सोचा आज ना मैं ये वाला सूट पहन लेती हूँ। जल्दी से जो है ना मैं रेडी होती हूँ, जो है ना सेम मेरा व्हाइट भी था जो मैंने रोज़ अफ्तारी पे पहना था और आज मैं ये वाला पहन के जा रही हूँ। ये देखो थोड़ा इस तरह का है, चलो जल्दी से चेंज करके फिर मैं आपसे वापस मिलती हूँ। पर मैं तैयार हो गई, आज मैंने अपने नए जूते और नए जोड़ा पहना भी चले। और अभी हम जा रहे हैं सारा के घर, यहाँ से जाएंगे बच्चों को पहले ट्यूशन से लेने और उसके बाद फिर हम सारा के घर जाएंगे। एक दफ़ा झूला ले लूँ, कोई भी स्टूल लगा हुआ है। माँ की नज़र लगती है अच्छी लग रही हूँ, बेबी का नाम नहीं आ रहा आज, बस अभी रोज अफ्तार करके आ रहे हैं और इसका नाम रखते हैं बस, और इसी नाम से बुलाएंगे आज के बाद, ठीक है? सुन रहे बातें, सुन रहे, आज दूध भी लगाना है और नाम भी रखना है, इसको रोज अफ्तार पर ले चले, बस बड़ा हो जाए ना फिर मेरे साथ जाया करेगा भाई घूमने फिरने, रोज अफ्तारी पे जाया करेगा, दावतों पे जाया करेगा, छोटा सा बुना है बट हमारे घर पे यहाँ पर हमने कहा रोज़ अफ्तारी में ना बाहर सबको ये बांट दें, टाइम इतना नहीं है बाहर रोज़ अफ्तारी कराने का, जाएगा अभी जाएगा, अभी ये रमजान आएगा तो ये सारा चना चाट जो है ना पूरा थैला जाएगा बाहर बांट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है और खैर खैर ऐसे है। आप सबको हमारी तरफ से आज 28वां रोजा मुबारक हो, बाकी बच्चे हैं 2 रोजे हमारे और इन 2 रोजों में जल्दी जल्दी से सबकी ईदियां देनी है। मेरे घर पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना मैंने कोई दुकान खोल के रखी हो, कोई स्टॉल लगाया था चूड़ियों मेहंदी का कपड़ों का,
इतना घर फैला हुआ है इन सारी चीज़ों से कि ये पैक करके ये भेजना है, ये पैक करके ये भेजना है, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। आज शुक्र है कि बस अब दो घर बच गए हैं, वो वापसी पर आकर ना वो पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है वो घर, तो एक तो पास नेबर में और एक थोड़ा सा आगे आंटी रज़िया का। और हम जा रहे हैं सारा के घर पर, फायजा सिस्टर के घर पर, उनके साथ में ताहिरा सिस्टर की भी ईदी लेकर जा रही हूँ, वो सारी ईदियाँ वहाँ देनी है। और बाकी आज आकर हमने आज वापसी पर अपने मुन्ने का नाम भी सोचना है, रखना है, दो चार नाम सब ने सोचे हुए हैं, देखो कौन सा नाम आज डिसाइड डन होता है। रमजान ठीक है, घर संभालना है और उसके अलावा क्या बांटना है, चना चाट, थोड़ा सा साइड पर हो जाओ, चना चाट सबको बांट के आनी है, सही है, तो पता नहीं चलेगा। नहीं मेरे शूज हैं, बस डिजाइन उसका बहुत प्यारा है और बस उसके साइज है थोड़ा सा बड़ा, एक नंबर बड़ा लेना ना। और जरी और कौशल ने बताया उसका, हाँ वो भी कह रही थी जरी डिजाइन यही, हाँ वो जरा खुला, ये तो उसने बताया नहीं, पूछ के जल्दी पूछ के बोलो, इसी डिजाइन का बड़ा जूता लेना है जो भी अच्छी लगे आपको। अच्छा अपनी पसंद से ले आऊं जो भी ले आऊं। और अभी हम यहां से जा रहे हैं सीधा ट्यूशन टीचर के पास, वहां से बच्चों को लेंगे और फिर हम आगे निकलेंगे। टाइम नहीं है, आए टाइम नहीं है, जल्दी से भाग, टीचर हमारी फ्राइज बना रही है, अभी टाइम नहीं है, जल्दी करो, सारा के घर जाने, जल्दी हो। अस्सलाम वालेकुम, दुआ ठीक हो? देखो मुस्तफा ने जूते नहीं आयत को पहने और ऐसे उठा के इसको लेके आ रहे हैं, पढ़ के आ गई। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, ये क्या लेकर आई हो? तो पहले सारा का घर हमारे घर के ना पास था, ज्यादा दूर नहीं था, जैसे ताहिरा सिस्टर का घर है ना, दूसरा दिन है जो भी इफ्तारियां हो रही है ना, इतना दूर दूर और टाइम पूरा पूरा होता है, तेज गाड़ी चलाकर ना पहुंचना होता है ना पूरे पूरे टाइम पे। कल भी अजान हो रही थी, पूरे पूरे टाइम पे पहुंचे थे, इरफान भाई के घर पे भी हम जब पहुंचे टाइम ही अजान हो रही थी तभी जाकर हम पहुंचे, और आज भी हम सारा के घर जा रहे हैं, ये भी अच्छा खासा अभी दूर शिफ्ट हो गए, आपकी फ्रेंड दूर शिफ्ट हो गई है ना, पहले आपसे हमेशा मिलने आती थी, साइड पे जिस साइड पे कल गए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? हम आगे जा रहे थे, हमने सोचा थोड़ा सा हेलो हाय करते जाएं, हम तो आगे जा रहे हैं, बाय 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 बाय, फिर आएंगे दोबारा मिलने, ठीक है? अभी आऊं। आपने तो इतने सारे रोज लगाए हुए हैं बाहर, फूल इतने सारे लगाए हुए हैं, पहले से ही लगे हुए, ऊपर वाला घर है सबसे ऊपर, हग करो हग करो हग करो, ये मिले हो, मिले दोनों ने, में इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगाए हुए हैं, ये देखो फ्रेश फ्लावर खिले। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, पहले नीचे वेलकम करने आई हुई थी हमारा, कैसी हैं? ठीक है, आप सुनाएं कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक, अभी टाइम है अफ्तारी में? नहीं हो गया, हो गया, बस अभी होने ही वाली है, बैठो बैठो बैठो, ये चाहिए, हमारा अफ्तार हो गया, उसके बाद फिर अभी हम पीने लगे हैं चाय, फायजा सिस्टर और मैं, ताहिरा सिस्टर को बहुत मिस कर रहे हैं, कल मुझे बोला भी था कि मैं आऊंगी ना आज, फिर उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं होगी, और यहाँ पर दिल लग गया, हाँ लग गया घर माशाल्लाह, ये भी आपका बहुत प्यारा है। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, बातें बातें करने के बाद, अभी खाने का टाइम हो गया, और देखें इरफान भाई भी आ गए, इरफान भाई की फैमिली भी आ गई है, अच्छे भी आ गए, और ये मुस्तफ़ा को लेने के लिए स्पेशल आए, इसकी ईद की शॉपिंग रह गई है ना, इरफान भाई के जिम्मे लगाइए, आप तो भी आईटी से, फिर तो बिलाल से रिलेटेड ही काम है आपका, ये रही सारा की गिफ्ट मेरी तरफ से, ठीक है उठा लोगी? ओह गिर जाएंगे गिर जाएंगे, ये आपकी ठीक है, हाँ यही तो बस, क्या आपके पैसों की कमी नहीं है? अच्छा ईद मिलने आओगी? हाँ आज से ईद मिलने आओगी ना, रेडी होके क्यों बोलो पहले हमको, ईद का गाना गा इसमें क्या है, जाली है क्या, जाली है, इसकी अनबॉक्सिंग मैं अभी कर लेती हूँ। अच्छा मुझे इसने ये ईद का गिफ्ट दिया बिस्किट है, इसमें जो भी मिला देखो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है, चॉकलेट रखी हुई है इसमें, इसके अंदर क्या देखा है, इसके अंदर भी वही बिस्किट है, वही बिस्किट है। अच्छा और ये इब्राहिम की ईद है, पता नहीं मुझे ये इब्राहिम आपको देना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इफ्तारी कराने के लिए, बहुत सब कुछ अच्छा बना हुआ था, आपका शुक्रिया, दूर से देख रहे हैं, अभी बच्चों को ले आइएगा ना ईद मिलने के लिए, ठीक है? जरूर बस अभी यहाँ से रवाना होते हैं, मुस्तफ़ा भी गए इरफान भाई के साथ, वो अपनी ईद की शॉपिंग करने गए, उसके जिम्मे लगाया है,
हमारे कपड़े उसको पसंद नहीं आते, मैं जितना लेकर आती हूँ उसको अच्छे नहीं लगते। देखते इस बार कैसे, हाँ देखते हैं इस दफा कैसी शॉपिंग करके आते हैं। हम यहाँ से हो रहे हैं रवाना तहरा सिस्टर के घर की तरफ, या पहले वहाँ मेजर अंकल के घर जाएंगे, वो बाद में आएगा। ये दे देते हैं तहरा सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको ये वाला। ये तहरा सिस्टर की ईदी है, ठीक है। अभी रह गई है हमारी एक ईदी जो कि मेजर अंकल के घर अभी जाकर देनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? बहुत मुबारक हो जी बच्चों की, आप क्या बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। करें आप लोगों को। मैंने कहा किधर गए छोटे? मैंने कहा साजिद भाई ने मेरा स्टेटस नहीं देखा, ये आपकी ईदी। आओ ना अंदर आइए, छोटी अंदर ये अंदर लो। मेरा ना रमजान बहुत बिजी रहता है ना, कुछ ऑर्फन होम्स में कुछ इस तरह सारे ना वो शेड्यूल, तो बस अब ये हमारे मेजर अंकल मशहूर हो गए। सरप्राइज अचीव किया, बहुत मुबारक हो आप लोगों को, इसी तरह अल्लाह और खुशियां दे। सब बोलते हैं ना अंकल का नाम क्या अंकल, मैंने कहा बस अभी हमारे घर ना मेजर अंकल के नाम मशहूर हो गए यार। मतलब था इतना आपने यार, बहुत शुक्रिया सितारा। हम जाते ना बच्चे सो गए, गाड़ी में पानी चाहिए जी, कुछ भी नहीं, बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने बस पानी बस मैंने देनी थी, मैंने कहा टाइम पूरा। तो सबको ईदियाँ देने के बाद अभी हम वापस आ चुके हैं घर पे, और मुस्तफ़ा गया था इरफान भाई की फैमिली के साथ अपने ईद के कपड़े लेने के लिए, अभी आ गए हैं वापस। वालेकुम सलाम। हम लोग भी बस आज मुस्तफ़ा को ईद शॉपिंग करवाते रहे। पूरा हमारा फंक्शन खराब होता है, हम सारे तैयार हो रहे थे, ये रो रहा होता है। अंदाजा हुआ है कि कितना मुश्किल है शॉपिंग करना। वापस जी सुनाओ क्या हालात हैं, कैसे कपड़े लाए? मैं मुझे भी तो पता चले ना, हमेशा मेरी ड्रेसिंग पे नाम रखते हो, आपकी ड्रेसिंग भी देखूंगी मैं। सरप्राइज है तो कपड़ा अच्छा नहीं मिलता था, कपड़ा अच्छा मिलता था तो फिटिंग नहीं होती थी। पर साड़ी पंजाबी दी मिसाल जी कहंदे ने अड्डी कट लोफर शूज रखे बाबा। अच्छा ये पसंद है आपको? जी जी पसंद है आपको, वैसे लग तो प्यारे रहे। शलवार कमीज के साथ ये पहनोगे? खेड़ी स्टाइल हो गया पुराना। अच्छा अब ये न्यू जनरेशन है तो जरा स्टाइल भी न्यू होना चाहिए। यहाँ पर देखो हमारी चाय बन गई है। मुन्ना तैयार हुआ कि नहीं हुआ? निकाल के बैठे हो, कौन सा सूट पहना रही हो? कौन सा सूट पहना रही हो आज? इसको ये वाला निकाला हुआ है आज जो है ना हमारा बेबी, ये वाला नया जोड़ा पहनने वाला है प्यारा सा। जी जी आपके भाई का नाम रख लिया, चलो रेडी हो उसको लेकर आओ। नया नया जोड़े पहनता है रोज, नया नया सूट बदलता है, नाम रख रहे हैं। कितना प्यारा लग रहा है आपको, अभी तो पता नहीं है, जब वीडियो देखोगे ना बड़े होकर फिर पता चलेगा। चलो चलो आज सारे कितने घर में लोग हैं, सारे घर के लोग ना अपना अपना नाम बताएं। बस ये जब एक नाम मेरे में आया ना, इस कमरे की खुशबू ही अलग हो गई, इस मुन्ने की खुशबू होती है। गिफ्ट आया हुआ आज इसमें दीदी का, वो मेरे घर आया मेरा नन्हा मुन्ना। सब बीबी जब आयत पैदा हुई थी ना, मैं उसको सुनाती थी, मेरे घर आई मेरी नन्ही परी। प्यारा लग रहा है आपके हाथ में, छोटे छोटे से तैयारियां देखो करके कैसे सो रहा है। कि मम्मा को तो बुला कर ले आओ, ले आओ नाम रखे है इनके, मम्मा भी नाम बताएंगे, सारे नाम बताएंगे ना। सब सबने सोचा हुआ है, कौसर ने भी सोचा होगा। आंखों में आंखें डाल के सोच रहे हो, बड़ा जो घर, जो घर का सबसे बड़ा, तो फिर तो इनके पापा लगाएंगे सबसे। माफी दी, चलो नाम सोचे जल्दी आप, बंद बताओ अभी। चलो चलो रमजान सबसे पहले बता दो। मैं फैजान साजिद। फैजान हाँ, जो साजिद के साथ भी अच्छा है। कौन सा? नाइल। नाइल नाइल करा दीजिए। जरून 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 वैसे नाम वो है, ऐसे नॉर्मल नाम नहीं रखते। हाँ तो तुर्किश नाम रखो, तुर्किश। हाँ तुर्किश। जैसा मेहमत मेरे दिमाग में नाम है वो मैं बोल रही हूँ, जोहान। जोहान नाम भी मुझे अच्छा लग रहा है। अभी देखो सारे मिलजुल के नाम बता रहे। अर्तुगल गाजी भी बोला है, इसको नाम रखे तैयब। जारून नाम भी अच्छा है और एक जोहान नाम भी अच्छा है। जब नाम रखने का टाइम आ रहा है ना तो किसी के दिमाग में नहीं आ रहा, एक दो नाम से ज्यादा किसी की समझ में नहीं आ रहा, और मुस्तफ़ा ने तो पूरा गूगल पे सर्च भी कर लिए। और नाम कौन से बताएं? बिन कासिम और सारे जो भी बड़े बड़े पुराने टाइम, बिन कासिम, सलाउद्दीन, अय्यूबी, इतने बड़े बड़े नाम बता रहा है। अब से बस हम इस बेबी को लेकर बैठे, नाम ही समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे नाम सोच सोच के। अभी कौसर फाइनल करेगी, बस बहुत हो गया। अभी आप दोनों मालिक बैठे हो, नाम बताओ। आहद। आहद
अहद नाम रखना है। छठे दिन जब बच्चे का नाम रखते हैं और चम्मच से ऐसा थोड़ा दूध लगाते हैं ना, तो गांव में ऐसे बड़ी बड़ी छठियां होती हैं। बड़ी छठियां होती है गांव में, सारे ढोलकी ले आते हैं, इकट्ठे होते हैं, रौनके लगती है। लेकिन हम बड़ी छठी अभी अपनी करेंगे बेबी की, अभी रमजान का महीना है ना, तो इनशाला बिस्मिल्ला करके। और अभी खर्ची भी तो दोनों से दूध लगाते हैं, खर्ची भी। चलो अभी बारी है कौशल की। सीधा हाथ है, सीधे हाथ से तो लगा रहे हैं। उसका मूड नहीं है, सोने का मूड है उसका। अहद है कौशल बताओ। चलो ये अहद सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये आया मेरी बर्थडे के महीने में, आपकी बर्थडे के महीने में। और देखो अभी कैसे पी रहा है, आप दोनों ने पिलाया और अब मेरे हाथ से कैसे पी रहा है ये देखो। ऐसे दूध पिलाते इन दोनों ने चम्मच लगाया, वो पी नहीं रहा था, मुंह ही नहीं खोल रहा था। मैं पिला दूं? हाँ चलो, अब थोड़ा सा मतलब बिल्कुल थोड़ा सा आपका भी ले लिया, मतलब पी लिए माशाल्लाह। अच्छा पैसे भी देने हैं ना? हाँ पैसे दो अपने छोटे भाई को। खुले तो नहीं पड़े आपका, आप कार्ड कार्ड दे रहे, एटीएम कार्ड दे रहे मुस्तफा। पूरा कैश दे दिया अपने भाई, देख भी रहे। पहला जो कड़क नोट है ये सबसे बड़ी वाली मम्मा की तरफ से। अहद दो घंटे की जो तो जाए तो हमने डन किया है। अहद अहद माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो मुंह मीठा करते हैं सबसे पहले। गुलाब जामुन नहीं थे उनके पास? गुलाब जामुन नहीं थे, नहीं मुझे तो ये पिंक पसंद। हाँ ये वैसे पिंक अच्छी होती है। बिस्मिल्लाह देते नहीं। हाँ, अनीता को भी तो पैसे देने हैं ना। मुस्तफा तो मुझे नहीं देगा। नहीं नहीं बेबी की खुशी में अनीता को तो पैसे दो ना। जाओ अभी आज आहद ना बन मोहम्मद अहद। मोहम्मद अहद और माशाल्लाह मुबारक हो। मुबारक हो, खैर मुबारक। पीछे कैमरा लेकर आ रहे थे, मुझे लगा पता नहीं पीछे एकदम मैंने देखा कौन आ गया है। अच्छा व्लॉग क्या रमजान के जिम्मे दिया है ना, तो ये हर जगह मेरा व्लॉग बना रहा है। आ रही है, इसकी भी अनबॉक्सिंग कर ही देते हैं, कब से ये आया हुआ है हमारे पास। बाबर की तरफ से, बाबर की तरफ से। माय डेज। तो ये देखो ये आई है बाबर की तरफ से बास्केट, कराची से हमारी। कराची दूसरी ईद आई है कराची से। जो ना मैं आएगा ये बात कभी भी नहीं। मुझे चुप कर जाओ। ये वाला भी खोलो इसका। ओ सॉफ्टी सॉफ्टी सा दिखता है पूरा। ये देखो माशाल्लाह से ये नेट है ऊपर से। ये हो गया बेबी का बिस्तर बाबर की तरफ से, पहला गिफ्ट आया है बेबी को। ये भी इसके छोटे छोटे से पिलो भी है। थैंक यू सो मच बाबर, आपने इतना प्यारा हमारे बेबी के लिए गिफ्ट भेजा है, आहद के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब इसको पैक करो, जब उसका बेबी हो जाएगा फिर ये उतर मच्छर ना आए इस तरीके से। माशाल्लाह प्यारा गिफ्ट की तरफ से। ऊपर फ्लावर इतना प्यारा सा लगा कर दिया। इसमें आया है, इसमें आया है सबसे पहले आयत तैयबा की। आयत तैयबा के लिए कुछ ऐसे पिन्स है, ये है नहीं दोनों के, आयत और तैयबा दोनों के भेजे हैं। और ये बैंगल्स हो गई, और इसका मूड भी साथ में देख लो कितना खराब है। जब इनकी चीजें देखते हैं मूड ऐसे खराब कर लेते हैं। अब लड़कों की ये चूड़ियां होती है, मुझे बताओ, मेहंदी होती है, इयररिंग्स होती है, चॉकलेट भेज देते मुस्तफा के लिए। ये देखो ईदी मिल गई। ओ नो, ईद कार्ड आए। खोलो इसमें क्या लिखा है। हाँ एक ये और एक ये इनके पापा। हर एक चीज पे कहते हैं साजिद अमीन का नाम लिखा होगा। आया है तैयबा का सूट है ये। आयत का तैयबा का लग रहा है ये। इस तरह से देखो दोनों के सेम ड्रेस आए हैं बाबर की तरफ। मुस्तफा आपका कुछ है, ये देखो ये आपका ही तो है। ये देखो आप खुश हो जाओ, बस आपका कुर्ता आ गया है। और एंड में ये आया है सूट, इस पे कोई नाम वाम लिखा है, सूट है। और एक इसमें जो है ना ये सूट है, और ये मुझे बताएंगे कि किस किस के हैं। और इसमें जो है ना ये कार्ड में कब से देख रहे कि कुछ लिखा होगा, कार्ड लिखना भूल गए, अगली बार लिखेंगे। कार्ड में ये संभाल के रखो, ये गिफ्ट देंगे काम में। टोकरियां वैसे बहुत काम आ रहे, सबको गिफ्ट भेज रही हूँ, चलो ये काम आ जाएगी, सबको दे दिए। दिखाओ मुस्तफा कुर्ता आपका तो प्यारा है, कलर भी अच्छा है इसका। कौसर का, कौसर की अम्मी का, सबके कपड़े जो ना सिल किया गया, चेक कर लो ऐसा ना एंड टाइम पे। और ये हो गया अनीता का रेड कलर का सूट, चेक करो पूरा। हाँ दुल्हन बनेगी।
रमजान की दुल्हन बनेगी। हाँ। और बाकी ये रहा कौसर का प्यारा सा सूट, खाला का सूट, जैसे इस्त्री हुआ है ना बस ऐसे हैंगर लगा दे ताकि इस्त्री करने की जरूरत ना पड़े। छोटी तो नहीं लग रही कमीज खाला, ऐसी थी ना? हाँ। पता है ऐसे लग नहीं रहा छोटा जैसे बना कर दे दिया। मुझे खाला के सूट का बहुत प्यारा लगा और कौसर के सूट का भी कलर प्यारा है, पूरा ऐसे लग रहा था जैसे कमीज छोटी हो, हम वो लंबी कमीजें पहनते ना इस वजह से। मैं आ गई हूँ वापस अपनी बैल्कनी में, सबको कपड़े वपड़े दे दे के जाकर हमें पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने कैसे घर संभाले थे। कैसे हम छोटे होते थे ना, हमें बस ये पता होता था कि ईद का सूट चाहिए, ईद के जूते नहीं है, चूड़ियाँ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हम सिर्फ फरमाइशें करते थे। और वही सब अभी बच्चे करते हैं, बच्चों को नहीं पता होता कि माँ बाप कितना मेहनत करते हैं। सच में बड़ा बनना इतना आसान नहीं है, बड़ा बनते हैं ना आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है। आप सबको जब साथ लेकर चलते हो ना तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी का कोई रह ना गया हो, कोई बच ना गया हो, सबके लिए हर एक चीज़ लेनी है, सबके लिए सोचना है। अभी तक मैंने अपने लिए कोई चूड़ियाँ नहीं ली और मैंने सबसे पहले ये कहा कि सबकी ईदियाँ पूरी हों और एंड में फिर हम देखेंगे, जब टाइम बचेगा तो फिर मैं अपने आप को टाइम दूंगी। सैलून जाने का टाइम नहीं मिला अभी, कोई पता नहीं कल अगर चांद रात होती है तो पूरे पूरा टाइम पर मैं सैलून जाऊंगी, क्योंकि ये देखो अभी मैंने कल मेहंदी लगवानी है तो ये वैक्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैक्स कराना पड़ेगा। रोज़े हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इस ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ, मिलूंगी कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दवाई लेकर बैठे हो? दवाई पीनी है जी? इतने आप बड़े हो गए हो, कपड़े अपनी मर्जी से लेने के लिए जाते हो, शॉपिंग अपनी मर्जी से कर सकते हो, एक चम्मच दवाई का नहीं पी सकता? एक चम्मच दवाई मम्मा पिलाती है तो अच्छा है। मम्मा के हाथ से ही दवाई पीनी है। आ जाओ ले आओ, मम्मा पिला दिया, शाबाश।